Let's start our class. Class second subject science. Previous lecture में हमने आपको chapter 12 explain कर दिया था. आज हम लोग start करेंगे chapter 13. Chapter 13 का name है our dwelling places. Our dwelling places, dwelling means होता है habitat, यानी कि हमारे रहने का स्थान, वास स्थान, आवास. तो आइए हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर को रीड करते हैं. इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है हाउस. हाउस क्या होता है? टाइप ऑफ हाउसेस, परमानेंट, टेम्पररी, मूवेबल और स्पेशल. जो हाउस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो परमानेंट होते हैं, टेम्पररी होते हैं, मूवेबल होते हैं एंड स्पेशल होते हैं. रूफ ऑफ हाउस, हाउस का रूफ कैसा होता है? फ्लैट होता है, स्लोपिंग होता है, सेमी सर्कुलर होता है. तो इस चैप्टर में हम लोग को इतने टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स को पढ़ना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हाउस. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें रहने के लिए हाउस की आवश्यकता होती है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट ऑफ सन. ये हमें सन के हीट से प्रोटेक्ट करता है, विंड से, रेन से, स्नो से एंड कोल्ड से हमें बचाता है. तो हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, हाउस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमें सन, विंड, रेन, स्नो एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड दिवेज. और ये हमें वाइल्ड एनिमल्स एंड जंगली जानवर और चोरों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है. वी फील सेफ एंड कम्फर्टेबल इन आवर हाउस. हम लोग अपने हाउस में सेफ एंड कम्फर्टेबल फील करते हैं. टाइप ऑफ हाउसेस, हाउस कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस. तो हाउसेस जो होती हैं वो बहुत टाइप्स की होती हैं. तो आइए हम लोग रीड करते हैं. फर्स्ट है परमानेंट हाउसेस. परमानेंट हाउसेस आर पक्का एंड स्ट्रॉन्ग. परमानेंट हाउसेस जो होती हैं वो पक्का होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं. दिज आर मेड अप ऑफ स्टील, बार्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट्स एंड वुड्स. ये स्टील, बार्स, ब्रिक्स, स्टोन्स एंड सीमेंट और वुड से मिलकर के बनी होती हैं. दिज हाउसेस लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ये हाउसेस बहुत लंबे समय तक चलती हैं. दिस हाउसेस कैन बी फ्लैट्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. और ये हाउसेस जो होती हैं ये फ्लैट होती हैं या फिर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती हैं. टेम्पररी हाउसेस, हट्स आर नोन एज टेम्पररी हाउसेस. हट जो होता है उसे टेम्पररी हाउस बोला जाता है. सम पीपुल यूज मड, बम्बू एंड स्ट्रॉ टू मेक अ टेम्पररी हाउस. कुछ पीपुल जो होते हैं वो मड, बम्बू एंड स्ट्रॉ का यूज करके टेम्पररी हाउस को बनाते हैं. दिज होम्स लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम. और ये हाउस जो होते हैं ये बहुत कम समय तक चलते हैं. दे आर नॉट टू एक्सपेंसिव, दे आर नॉट सो एक्सपेंसिव. और ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होते हैं. नेक्स्ट मूवेबल हाउस, टेंट्स. सम पीपुल डू नॉट स्टे परमानेंटली एट वन प्लेसेस. कुछ पीपुल जो होते हैं वो परमानेंटली रूप से एक प्लेस पे नहीं रह सकते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं. दे यूजुअली लिव इन टेंट्स. तो ये टेंट्स में रहते हैं. एज टेंट्स कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजिली. क्योंकि टेंट जो होता है वो उसे वन प्लेस से अनदर प्लेस तक इजिली मूव किया जा सकता है. टेंट्स आर मेड अप ऑफ कैनवास. टेंट जो होता है वो कैनवास से मिलकर के बना होता है. दे आर यूज बाई कंपेयर्स एंड शोल्डर्स. इसमें कैंपेयर्स एंड शोल्डर्स रहते हैं. कैनवास, कैनवास क्या होता है? कैनवास आर द अदर फॉर्म ऑफ मूवेबल हाउस. कैनवास जो होता है वो मूवेबल हाउस का अदर फॉर्म होता है. कैनवास आर हाउसेस ऑन व्हील्स. इन हाउसेस में व्हील्स यानी कि पहिया लगा होता है. दे आर यूज बाई द गिपीज. दिस मूवेबल हाउस कैन बी पार्क एनी वेयर. और इस मूवेबल हाउस को कहीं पे भी पार्क किया जा सकता है. हाउस बोट, हाउस बोट इज आल्सो मूवेबल हाउस. हाउस बोट जो होता है वो भी एक मूवेबल हाउस होता है. विच फ्लोट इन अ लेक. और ये लेक में फ्लोट करता रहता है. इट इज मेड अप ऑफ वुड. और ये वुड से बना होता है. देयर आर मैनी हाउस बोट इन कश्मीर. और कश्मीर में बहुत सारे हाउस बोट्स दिखाई देते हैं आपको. आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे हाउस बोट्स होते हैं और लोग उनमें रहते हैं. अब जितना भी हम लोगों ने अभी तक रीड किया है, जितना भी हम लोगों ने समझा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं. तो आइए उसको हम लोग देखते हैं. अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील इज कॉल्ड. तो
टेंट हाउस बोट पक्का हाउस, तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका पक्का हाउस। जे पेज लिव इन फ्लैट्स हट्स व्हील कैनवास, तो ये किसमें रहते हैं, व्हील कैनवास में रहते हैं, तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑप्शन सी राइट है। थर्ड है अ हाउस मेड ऑफ कैनवास इज कॉल्ड, जो हाउस कैनवास से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंगलो हाउस बोट टेंट्स, तो इसे हम लोग टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल हाउसेस, कुछ स्पेशल हाउसेस होते हैं इग्लू, अ हाउस मेड ऑफ आइस इज कॉल्ड एन इग्लू, कुछ हाउस जो होते हैं बर्फीली जगहों पे, कुछ हाउस जो होते हैं वो आइस से बनाए गए होते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू आर मेड इन एवरी कोल्ड प्लेसेस, वेरी कोल्ड प्लेसेस, इग्लू को बहुत ही कोल्ड प्लेसेस पे बनाया जाता है। वेयर देयर इज स्नो फॉल थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे एवरी पूरे ईयर स्नो फॉल होता रहता है वहाँ पे इग्लूज देखने को मिलते हैं। फ्रॉम इन साइड दिस हाउस आर क्वाइट वार्म, ये अंदर से वार्म होते हैं यूनिट्स स्किम्यूज लिव इन सच हाउसेस, और इसमें यूनिट्स स्किम्यूज जो होते हैं इस हाउसेस में रहते हैं। स्टिल्ट हाउस, सम हाउसेस आर मेड अप ऑफ स्टैंड ऑन वुडन पोल्स, कुछ हाउस जो होते हैं वो स्टैंड्स एंड वुडन पोल्स से बनाए जाते हैं। द बेस ऑफ सच हाउसेस इज क्वाइट हाई, और इन हाउसेस का जो बेस होता है वो काफ़ी हाई होता है, ऊंचा होता है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊंचा होता है। सच हाउसेस आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस, और इन हाउसेस को हम लोग स्टिल्ट हाउस कहते हैं। दिस हाउस आर मेड इन एरिया विच गेट फ्लूडेड ड्यू टू हैवी रेन्स, और ये उस एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ या बहुत ज़्यादा बारिश आता है, उस एरिया में स्टिल्ट हाउसेस को बनाया जाता है। रूफ ऑफ हाउसेस, हाउसेस का रूफ कैसा होता है, द टाइप ऑफ रूफ्स डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर द हाउस इज बिल्ट एंड व्हाट काइंड्स ऑफ हाउस इज, हाउस के रूफ का टाइप्स उसके प्लेस पे डिपेंड करता है कि उस जो घर है उसके हाउस जो है वो किस प्लेस पे बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग इसके रूफ का टाइप डिपेंड करता है। फ्लैट रूफ्स, हाउसेस इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स, जो हाउसेस प्लेन पे बनाए जाते हैं उनका जो रूफ होता है वो फ्लैट होता है। दीज आर मेड अप ऑफ सीमेंट और एस्बेस्टोज स्ट्रीट, और इन्हें हम लोग सीमेंट या एस्टोबेट शीट से बनाते हैं। फ्लैट रूफ्स कैन बी यूज इन वेरियस वे, फ्लैट रूफ का यूज बहुत सारे कामों में किया जाता है। स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ क्या होता है, स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस आर मेड इन दोज प्लेसेस वेयर इट रेन आर स्नो वेरी मच, स्लोपिंग हाउसेस जो होते हैं, स्लोपिंग रूफ जो होते हैं वो उन प्लेसेस पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और स्नो होता है। दिज रूफ्स आर मेड अप ऑफ टी पाम लीव्स टाइल्स, और इन रूफ्स को टीन पाम लीव्स एंड टाइल्स और स्ट्रॉ का यूज करके बनाया जाता है। दिज रूफ्स हेल्प रेन वाटर और स्नो टू फॉल ऑफ ईजली, और ये रूफ जो होते हैं वो रेन वाटर एंड स्नो को ईजली फॉल करने में हेल्प करते हैं। सेमी सर्कुलर रूफ्स, इग्लू और स्नो हाउसेस आर सेमी सर्कुलर रूफ्स, इग्लू और स्नो हाउसेस जो होते हैं उनके रूफ जो होते हैं वो सेमी सर्कुलर होते हैं। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट, एंड इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ आइस वुड कैनवास, इग्लू जो होता है वो किससे बना होता है, आइस से, तो यहाँ पे आइस पे टिक कर देंगे। हाउस इज द प्लेन्स हैव रूफ, जो हाउसेस प्लेन्स पे होते हैं उनके रूफ कैसे होते हैं, स्लोपिंग सेमी सर्कुलर फ्लैट, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लैट, यहाँ पे हम लोग राइट भी कर देंगे फ्लैट। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर रूफ्स आर फाउंड इन, सेमी सर्कुलर रूफ कहाँ पे पाया जाता है, फ्लैट्स इग्लू हट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा इग्लू। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो इन कीवर्ड्स को आप लोग रीड करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।